असलम कैलकुलस विद एनालिटिक जोमेट्री चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर सेवन अगर आपने पिछले क्वेश्चन सारे समझे हैं और आपको आते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करें और ये क्वेश्चन ख़ुद सॉल्व करें इन ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान क्वेश्चन है फिर भी अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मैं करवा देता हूँ लेकिन मैं ये कहूँगा कि वीडियो मत देखें आप ख़ुद ये क्वेश्चन सॉल्व करें अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप सिंपली इसका आंसर देखें कि क्या आंसर आपका वही है जो आना चाहिए ये कंटीन्यूस है या डिसकन्टीन्यूस है अगर आपसे हल हो जाए तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने सॉल्व कर लिया जिन बच्चों से नहीं हुआ वो क्वेश्चन देख लें ये क्वेश्चन है कह कैरा एफ ऑफेक्ट्स हमने बताना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है बाय डेफिनेशन पहले आप फंक्शन में वो पॉइंट पुट करें इफ़ एक्स इज ए एफ इज एक्स ए के इक्वल हो तो फंक्शन जीरो पॉइंट पर डिफाइंड होता है ओके नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस अब लेफ्ट लिमिट एक्स ए को अप्रोच कर रहा है बट फ्रॉम लेफ्ट साइड मीन्स एक्स इज लेस देन ए x लेस देन ए तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्केर ओवर a माइनस ए वैल्यू पुट करते हैं क्या वैल्यू आएगी हमारे पास हमारे पास वैल्यू आएगी ए स्केयर ओवर ए माइनस ए ए कैंसल ए स्केयर से ए माइनस ए आंसर ज़ीरो नौ राइट लिमिट फाइंड करते हैं लिमिट एक्स अपोचिस टू ए राइट लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है रहे right को फ्रॉम राइट साइड मतलब एक्स इज ग्रेटर देन ए मैं प्लस को ग्रेटर इसलिए कह देता हूँ क्या ईजी हो जाता है बच्चों के लिए समझना एक्स इज ग्रेटर देन ए ए से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू है तो x इज ग्रेटर देन a हो तो क्या करेंगे x इज ग्रेटर देन a फंक्शन ये आंसर देगा a माइनस ए स्केर अबर एक्स एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं एक्स की क्या वैल्यू पुट करेंगे ए माइनस ए स्केर और ए कैंसिल स्केयर से हो गया ए माइनस ए सो आंसर इज इक्वल टू जीरो हम लिखेंगे एज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए लेफ्ट लिमिट विच इज इक्वल टू राइट लिमिट अब ये तीनों इक्वल आ गए सो एफ ओफेक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए थैंक यू अभी क्वेश्चन नंबर नाइन है इस क्वेश्चन में वहरा डिस्कस दंटिन्यूटी ऑफ एफ ओफेक्स एट एक्स इज इक्वल एफ ओफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है पॉइंट वन है अब सबसे पहले हमें मोड को डिफाइन करना है हम इस बारे में पढ़ चुके हुए हैं तो मोड को किस तरह डिफाइन करेंगे फंक्शन <coughs> है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स सबसे पहले मोड को डिफाइन करते हैं मोड को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है मोड के अंदर एक्स है एक्स का आंसर पॉजिटिव आएगा इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू तो ज़ीरो अगर मोड के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो वो एज़ इट इज़ वैसे ही लिखा जाता है तो पॉजिटिव नंबर एक्स कब होगा जब वो जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा और अगर एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाता है कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो मोड क्या करेगा उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा वो नेगेटिव नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा अब आते हैं हम कंटिन्यूटी प्रूव करने पे कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए अगेन वही काम पहला काम क्या करते हैं हम फंक्शन के अंदर वो नंबर पुट कर देते हैं और हम देखते हैं कि क्या वो डिफाइंड है कि नहीं है मीन्स उसका एक आंसर आता है कि नहीं आता इन्फिनी नहीं एक नंबर आना चाहिए अगर इन्फिनी आता है तो वो अनडिफाइंड है सेकेंड काम उसकी लिमिट फाइंड करते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू वन एफ ऑफ एक्स और हम देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आए अगर फंक्शन डिफाइंड हो और लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और इन दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो वो कंटिन्यूस होता है तो हम सबसे पहले पहला काम क्या करेंगे फंक्शन में वन पुट करते हैं तो अगर फंक्शन में वन पुट करें तो वन माइनस इस एक्स की जगह पे भी वन आ जाएगा वन एक पॉजिटिव नंबर है तो मोड इसे वैसे ही रहने देगा और आंसर ज़ीरो आ जाएगा नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन्स लिमिट वन को अप्रोच कर रही है एक्स वन को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड एक्स इज अप्रोचिज टू एक्स अप्रोचिज टू वन बट फ्रॉम लेफ्ट साइड माइनस का मतलब लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड का मतलब है वो वन से बहुत 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 माइनर सी वैल्यू छोटी है तो अब देखो है तो वो वन से छोटी ना तो वन एक्स इज लेस देन वन अब मुझे बताओ ये ज़ीरो से वन है वन से लेस लेफ़्ट साइड ये वन है लेफ्ट साइड से अगर इसको अप्रोच कर रहा है वन को तो वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या होगी जीरो पॉइंट नाइन 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 वो ज़ीरो से छोटी तो नहीं ना वैल्यू होगी ज़ीरो से तो बड़ी होगी लेकिन वन से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी तो अगर वो ज़ीरो से बड़ी ही वैल्यू है बेशक वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो यही फंक्शन यूज़ करेंगे एक्स वाला यही फंक्शन यूज होगा ना एक्स वाला तो हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस एक्स मोड एक्स एज इट इज वन माइनस इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा वन आ जाएगा वन मोड वन माइनस वन अब देखें तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इस स्टेप के बाद एक स्टेप अगर और ऐड करना चाहें तो वो ऐड किया जा सकता है कि लिमिट एक्स अप्रोचिस टू वन लेफ्ट साइड एक्स माइनस एक्स के मोड़ खत्म कर दिया जाए अब देखें राइट लिमिट के लिए क्या करेंगे ये आंसर आ गया जीरो राइट लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिस टू वन प्लस अब एफ ऑफ़ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे x माइनस मोड ऑफ एक्स अब देखें x वन से बड़ा है थोड़ी सी वैल्यू वन से बड़ी मतलब ज़ीरो से तो बड़ी हो होगी ना तो वन से बड़ी वैल्यू जीरो से भी बड़ी हुई तो दोबारा यही वाला x आ जाएगा तो अगर लिमिट x अप्रोच टू वन प्लस x तो एज इट इज रहेगा इस मोड पे चूँकि मोड में वैल्यू जो x की है वो ज़ीरो से बड़ी है तो मोड वैसे का वैसे एक्स आ जाएगा अगर वैल्यू ज़ीरो से कम होगी तो इस मोड में इस मोड में एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखेंगे अदरवाइज एक्स ही लिखेंगे एक्स की जगह पे एक्स आ गया क्योंकि वैल्यू वन से बड़ी है अब इन दोनों को वैल्यू पुट कर दें वन माइनस वन आंसर इज ज़ीरो हम लास्ट में क्या लिखेंगे एस एफ ऑफ वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोची टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोची टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन पे जब वो पॉइंट पुट किया है तो आंसर तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस at x is equal to 1. Thank you.